शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। I don't believe this. कि डैड यहाँ। I'm so sorry. मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। Well, तुम्हारी नई फैमिली ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि पा उनके घर गए थे वगैरह वगैरह। मुझे ये पता चला है कि पा उनको काफी कुछ सुना कर आ रहे हैं। This, that, you know what? And he offered them money also. कहा कि मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दो। Blank checks देने की कोशिश की। Can you believe it? लेकिन गोयल फैमिली इज सो ग्रेट, उन्होंने ये सारे पैसे लेने से साफ साफ मना कर दिया। I personally feel one thing. पाको उनके घर जाकर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए उनको। I mean, उनकी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है तो उनको क्यों बीच में लाया जा रहा है? तुमसे बात करें ना। आई होप मैं ठीक कह रहा हूं। नहीं, डैड को उनके घर जाकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रही है कि माँ मुझे बार बार वापस लौट जाने को क्यों कह रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि डैड ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर चुके हैं बिग ब्रदर, ट्रस्ट मी। यू नो पा एंड हिज बिग ईगोस। माना कि वो जेरी थापर है, पर घर में तो हर इंसान की इज्जत होती है ना। इट सीम्स उन्होंने गोयल फैमिली के साथ साथ रानी को भी बहुत कुछ कहकर आए हैं। हैट्स ऑफ टू गोयल फैमिली एंड रानी। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वेरी गुड। आई एम सॉरी फॉर अगर मैंने आपको हर्ट किया हो। शायद मुझे ये सारी बातें आपसे नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई गेस आई एम नॉट एज ग्रेट एज गोयल फैमिली एंड रानी ऑल्सो। पर क्या करूं, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट यू। चलता हूं, टेक केयर, बाय। हेलो। मैंने आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। आपने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। लगता है काम हो गया है। सो टेक इट इजी एंड रिलैक्स नाउ। बाय। आइए ना आइए। मिस्टर जेडी थापर से, जेडी थापर से। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो, कहाँ है? हरि काका, उनसे जाकर कहिए कि मैं आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। आप अंदर तो आइए। नहीं हरि काका,
मैं उनका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सर प्रिंस आए हैं। क्या प्रिंस आया है? मैं जानता था वो जरूर वापस आएगा। वापस तो उसे आना ही था। कहाँ है वो? यहां लेकर आइए। हरे कृष्ण जी, उसे यहां लेकर आओ। जाइए, उसे यहां लेकर आइए। हरे कृष्ण जी। सर प्रिंस कह रहे हैं कि वो घर में नहीं आएंगे, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। बाहर? मुझे बाहर बुला रहे हैं? अब इसे क्या कहूं, बदतमीजी बेहूदगी है बचपना। जाइए, उसे यहां लेकर आइए हरिकृष्ण जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जिद्दी हैं या वो। क्या बात है प्रिंस, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ तो चलो अंदर, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, अगर बात इधर ही हो तो बेहतर है। ऐसी क्या बात है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे घर क्यों गए थे। ओह, तो ये बात है। आखिर उन्होंने शिकायत कर ही दी और तुम यहाँ चले आए मेरे पास सवाल जवाब करने। यह आप ही की सोच हो सकती है मिस्टर थापड़, क्योंकि आपके लिए कागज की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन उन लोगों के लिए परिवार का मान, अपनों से प्यार ही सच्ची दौलत है। बड़ा ज्ञान आ गया है ना वहां जाकर, लेकिन तमीज का ज्ञान नहीं दिया उन लोगों ने। ये नहीं सिखाया कि अपने बाप के साथ कैसे बात की जाती है? सिखाया कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना, और ये भी सिखाया कि अपनों के साथ कैसे प्यार किया जाता है। लेकिन शायद आप इस बात को समझते नहीं और ना ही समझना चाहते हैं। अब स्टॉप इट प्रिंस, सबके सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और आपने क्या किया? अपनी दौलत की गर्मी दिखा के आपने उन भोले भाले लोगों का अपमान किया। अपने बेटे की बोली लगाई आपने। क्या नाम दूं मैं आपकी इस हरकत को? Oh, stop it, Prince. You are crossing the limit now. लिमिट तो आपने क्रॉस की है, और ये करके आपने अच्छा नहीं किया। अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरे माँ और बाप की इंसल्ट की तो ये अच्छा नहीं होगा मिस्टर थापड़। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरी तहरीज पर खड़े हुए तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। बेटा होने का यही फर्ज निभा रहे हो तुम। I'm sorry, Mr. Thapar. लेकिन बेटा कहने का हक आप आज से खो चुके हैं। आज से मैं आपको अपना बाप मानने से इनकार करता हूं। कोई नहीं है आप मेरे और मैं आपका। आज से मैं इस बाप और बेटे के खोखले रिश्ते को खत्म करता हूं। जेडी, आपके प्यार का मजाक उड़ा कर गया है प्रिंस। उन घटिया लोगों के साथ रहते रहते उसकी भाषा भी घटिया हो चुकी है। आपके पूरे स्टाफ के सामने, नौकरों के सामने जिस तरीके से उसने आपके साथ बात की ना, इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्गस्टिंग। जेडी, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी,
कि अगर प्रिंस के नाम के आगे से जेट थापर का नाम अगर हटा दिया जाए ना तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर देखते हूँ कि आपके सामने वो ऊंची आवाज में किस तरीके से बात करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीना। जिन नए माँ बाप की तरफदारी के लिए अपने सगे बाप के खिलाफ हो गया है, जिनके मान सम्मान के लिए अपने बाप का अपमान करके चला गया है, देखता हूँ उनका और प्रिंस का साथ कितने दिनों तक चलता है। देखता हूँ किस नए रिश्ते की उम्र कितनी लंबी है। अपनी इस इज्जत को जरा संभाल कर रखिएगा। अमीर जादों के फंसाने का मोहरा मत बनाइए। उसे आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहिए आपको? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? ये रहा ब्लैंक चेक। साइन कर दिया है मैंने। सुरेखा जी, क्या सोच रही हो? जेडी थापर के बारे में, बहुत ताकतवर है ना वो? हमारे समाज में पैसे वालों की ताकत को सबसे बड़ा माना जाता है। चाहे तो अपने पैसे की ताकत से कुछ बना दे, चाहे तो कुछ बिगाड़ दे। फिलहाल तो अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। राज ने भी ना बेकार में हम लोगों की वजह से उनसे नाराजगी मोल ली, और वो भी हमारा गुस्सा राज पर क्यों उतार रहे हैं? अरे अपने ही बेटे के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं वो। ठीक है, कांटे बिछाने दो, लेकिन ये कांटे अपने राज के कदमों को रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, लेकिन बस यही लग रहा है बार बार कि कब बच्चे को काम मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे क्या चिंता है कि राज के उसूलों और थापर के जिद के बीच जो ये जंग छिड़ी है, पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा क्या जी, जीत तो हमारे राज के उसूलों की ही होगी। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, और जीत सच्चाई की ही होगी, आप देखना। बस फिलहाल तो जी एक ही बात मुझे सता रही है, सुबह से हमारा बच्चा भूखा प्यासा घर से निकला है, पता नहीं कहां भटक रहा होगा। बैठी ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मुझे आपसे एक शिकायत है। हमसे क्यों? आपने हमें क्यों नहीं बताया कि कल घर पर डैड आए थे? क्यों रानी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगा कि मैं डैड की बात सुनकर कुछ कर बैठूंगा, या फिर टूट जाऊंगा, या फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा? हाँ रानी, मुझे बुरा तो लग रहा है कि ये बात मुझे किसी और के मुंह से पता चली और अपनों ने मुझसे छुपाई। आप तो माँ और पापा की कितनी इज्जत करती हैं, फिर आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि कोई भी आकर उन्हें कुछ भी कहकर चले जाए? हम माँ पापा की इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे ये बात छिपाई। उन्होंने ही हमसे कहा था, वो नहीं चाहते थे कि आपको किसी भी तरह का दुख पहुंचे। कितना फर्क है, एक माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी बेइज्जती, अपना दुख अपने बेटे को नहीं बताते ताकि उनके बेटे को दर्द ना हो, और एक जो सिर्फ अपने बेटे को दुख देते हैं। नहीं रानी, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी आकर माँ और पापा को कुछ भी कहकर चले जाए, चाहे वो मेरे अपने डैडी क्यों ना हो। ये सब हमारी वजह से हो रहा है,
हमारी वजह से आप अपने परिवार से लड़ रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ माँ पापा भी दुखी हो रहे हैं। नहीं रानी, ये बिल्कुल गलत है। आप इस झगड़े की वजह नहीं, ताकत है। हाँ, ये बात जरूर है कि डैड ने मेरा रास्ता कुछ मुश्किल कर दिया है, कुछ अड़चनें बिछा दी हैं, लेकिन मैं अपने माँ और पापा को किसी के सामने हारने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। कितने का साहब? 2 रुपए का। बहुत महंगा चना साहब। क्या हुआ भाई? एक मिनट में आया। कहाँ जा रहा मोहन? आता हूँ। यार हमेशा फंसा के जाता है अपने को। साहब, साहब, आप इधर, आप कैसे हो साहब? आपने अपन को पहचाना नहीं? अपन मोहन, आपके बंगले पे मैं, आपके बंगले पे अपन गाड़ी पोंछता था, धो जाता था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं और इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मदद की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत था तो आपने अपन का बहुत मदद किया है। अरे उस मदद की मेहरबानी की वजह से आज अपन का बेटा जिंदा है साहब। अब वो 7 साल का हो गया साहब, स्कूल भी जाता है। आप अपन को भूल गए साहब, लेकिन अपन आपको और आपके एहसानों को कैसे भूल सकते हैं? अपन के बेटे को नया जिंदगी देकर आप लंदन चले गए साहब। साहब उस वक्त अगर आप टाइम पर इलाज के वास्ते पैसे नहीं देते तो पता नहीं क्या हो जाता साहब। तब से अपन आपको ढूंढ रहे कि कभी आपको मिलूं और शुक्रिया बोलूं, तरस रहे साहब। आप भगवान हो साहब। पता है अपन का औरत और अपन का माँ हर पल आपको दुआ देता है। ये तो आपका बड़कपन है साहब कि अपन पे एहसान करके आप भूल गए, लेकिन अपन आपको और आपके एहसानों को नहीं भूल सकते साहब। आप इधर क्या कर रहे ले? बस यूं ही साहब। अपन अभी एक गैरेज में काम करता है, बस इधर ही पास में ही अपन का गैरेज। साहब टाइम हो तो चलो ना, एक कप चाय अपन के साथ। फिर कभी। अभी तुम जाओ, तुम्हें काम होगा और मुझे भी कुछ काम है। ठीक है साहब, जिंदगी में अगर कोई जरूरत पड़ा ना तो अपन को बोलना। बोले तो आपका गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो मैक मोहन को याद करना। मैक मोहन बोले तो मैकेनिक मोहन। चलते साहब, राम राम। आना कभी, मिलते हैं साहब। ए बॉलेट बंद कर, बैटरी निकाल, टोचन मंगाने गए। आजा तू, आजा। मायूसी के अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। एक रोशनी की किरण की तलाश है। हे भगवान, मुझे मायूसी के अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो।